दमोह जिले की भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर समाज सेवा के उद्देश्य से कार्यरत है, जहां इसी कड़ी में एक जरूरतमंद के लिए निशुल्क ब्लड की व्यवस्था की है। दरअसल मुराज के कांचीराम कोरी को जीरो प्लस ब्लड नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह को फोन किया और एक बोतल ब्लड की व्यवस्था करने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने संगठन के सदस्यों को बुलाकर निःशुल्क रक्तदान किया। आज दो साल में से हजारों लोगों को निःशुल्क रक्तदान कर चुका हूँ। आज हमारे भगवती नाम मानव कल्याण संगठन इंदौर जैसे भैया आए, इनको मरीज के काशीराम को जरूरत थी ब्लड की, तो उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा था, तो यहाँ हमारे इंदौर जैसे भैया आए तो उन्होंने आकर एक बॉटल रक्तदान निःशुल्क किया। इसका किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया है। वह अपने पैसे से खर्च से आते हैं और समाज सेवा उनका उद्देश्य, भगवती मानव कल्याण संगठन का उद्देश्य है, जो कि परमहंस शिवराज शक्ति महाराज के दिशा निर्देशों में यह भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज निरंतर समाज सेवा का कार्य कर रही है। इसी समाज सेवा के लिए हमारा संगठन नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हम लोग आरती चालीसा पाठ के माध्यम से करते हैं, इसी प्रकार रक्तदान करते हैं, अवैध शराब पकड़ते हैं, यह समाज के लिए कोई भी कार्य हो वह निःशुल्क भाव से करते हैं। यह हमारा आज इनके लिए रक्तदान दिया गया। यानी आप लोगों को क्या लगता है रक्तदान में? हम परसों के और क्योंकि हमें नहीं मिल पाओ तो जय माता कृपा करिए। हम कहाँ से हैं आप? हम मुराद से हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य हैं जी। रक्तदान करने के लिए आए थे जी। उनको रक्तदान की जरूरत थी जी। उनको दान किया रक्त। कोई भी किसी को भी कोई जरूरत हो तो हम